अपने ब्रेन में प्रोग्राम करना चाहिए हमें करना क्या है, राइट? यस बेटा, हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ओके। बहुत बढ़िया कार्तिक, मतलब परफेक्ट आंसर। यस सिया, यस करेक्ट। यस कपीश, माइंड हैज पावर टू अचीव इट। देखो इस बारी हमारे जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं, अगर हमने अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग सही से कर ली, माइंड इट सही से कर ली चारू, तो हम इस बार के जो 3 महीने बाद जो भी एग्जाम होने हैं उसमें कुछ रिजल्ट्स बेटर कर लें। चीज होती है और उसका रेट बहुत कम होता है, मतलब लाखों में कोई एक बहुत टॉप लेवल पे सक्सेस पा पाता है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारे भी छोटे छोटे टारगेट हैं। आपका भी टारगेट, अभी का टारगेट ये नहीं है कि आप तुरंत IAS बन जाओ, आप एक लॉन्ग टर्म टारगेट है, राइट? जिसका जो भी टारगेट है, हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको विजुलाइज करते हैं, किस तरीके से हम इसको फोकस करते हैं कि हमें किसी टारगेट को अचीव करना है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है विजुलाइजेशन। सबसे पहले क्या है, इंटेंशन सेटिंग। अब मैंने अपनी इंटेंशन सेट करी, फॉर एग्जांपल मेरे को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, राइट? और मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं चढ़ पाऊँ, फिजिकली आई एम नॉट फिट। तो मुझे क्या है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो मैं अपनी इंटेंशन में डालूंगा कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना है, राइट? और उस माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने के लिए मुझे विजुलाइजेशन, सक्सेस विजुलाइजेशन क्या, कि मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया है, मैं कर रहा हूँ, मैंने कर लिया है विजुलाइजेशन, एंड आई एम ऑन द टॉप, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम रिसीविंग ऑनर, पीपल आर गिविंग अप्लॉज एंड आई एम बीइंग ऑनर्ड। सो ये मुझे विजुलाइज करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है कि ये मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है, माउंट एवरेस्ट को मैंने सक्सेस कर लिया है और मैं अचीव करूंगा। दिस इज हाउ रिपीटिवली आई नीड टू थिंक दैट वे, ऐसे प्रोग्रामिंग करनी होगी। और उसको प्रोग्राम करने के बाद फिर मेरे बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, हम उस तरफ काम करने लगते हैं, सोचते हैं। धीरे धीरे करके मेरा सबकॉन्शियस माइंड बार बार मेरे को एक आइडिया देता रहेगा कि क्यों नहीं आप जाके कैंप करते हो, क्यों नहीं आप जाके प्रैक्टिस करते हो, क्यों नहीं माउंटेनियरिंग के लिए आप जाके आप अपने आप को फिट करते हो। तो धीरे धीरे करके जो मैं लिथार्जी था, जो मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, अर्ली मॉर्निंग वॉक, अर्ली मॉर्निंग रनिंग, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देते देते धीरे धीरे कैंप करना शुरू करके, ऐसे प्रोग्राम होते होते माइंड हमको वहां तक ले जाता है जहां पर हमें पहुंचना है। नॉर्मली हमारी डे टू डे लाइफ में इट डजंट हैपन, क्योंकि हमारे पास में हमारी गाड़ी, हमारा माइंड जो है, इट इज ए अनकंट्रोल्ड व्हीकल। कभी भी किधर भी, अभी आप रास्ते में जा रहे हो, अपनी साइकिल से जा रहे हो, अचानक आप किसी के साथ में बैंग हो गए और आपको मालूम नहीं था कि अगले क्षण में क्या होने वाला है, एंड समबडी इज कमिंग आउट अपनी कार से, अपनी बाइक से उतर के आपसे लड़ाई करने लगा। आपने प्रोग्राम नहीं किया अपने माइंड को कि मुझे सड़क पे खड़े होके कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी है, मेरे को हाथ जोड़ के उससे कहना थैंक यू सो मच, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो भाई, आप अपने घर जाओ, हम लोग बच गए। ये बात नहीं करोगे, अचानक आपका माइंड प्रोग्राम नहीं हुआ तो आप भी उससे लड़ाई करना शुरू कर दो। सो दैट इज वाई वी से टू प्रोग्राम योर माइंड। अभी का आपका टारगेट क्या है, अभी का टारगेट क्या है अक्षिता, अभी का टारगेट है हमारी पढ़ाई, हमारा स्कूल, हमारे क्लास में हमारे को ऑनर मिले, हम कैसे भी प्रूफ करें कि हमारी नॉलेज सबसे बेस्ट है। तो हमने प्रोग्राम करना है अपने माइंड को, हाउ डू वी प्रोग्राम आवर माइंड,
वीकेंड प्रोग्राम आर माइंड कि मेरा इस बारी जो सिलेबस है मैं टाइम से पहले मुझे ख़त्म करना है, मुझे अपने टाइम को मैनेज करना है, मुझे ये साइंस टाइम से ख़त्म करनी है, इन सारे चैप्टर्स को और अच्छे से ग्रैस्प करना है। सो ये यू नीड टू प्रोग्राम दिस फॉर अ शॉर्ट टर्म अचीवमेंट एंड बिलीव ऑन मी दिस इज गोइंग टू हैपन। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि यू हैव टू यू विल स्कोर बेस्ट मार्क्स इन योर क्लास तो यू विल स्कोर, इट hardly matters because you are going to reprogram your mind, you are going to tell your mind that I am going to win this. So you will have to, your mind will again instruct you, you know, again and again in the morning, chal उठ जा सक्षम उठ जा, सुबह 4 बजे उठ जा, थोड़ा याद हो जाएगा, तेरे को रिविजन हो जाएगा। अगेन द सेम माइंड विल कम बैक टू यू, नॉक योर डोर्स, नॉक योर ईयर्स, नॉक 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 यू अगेन एंड अगेन एंड ही द माइंड विल टेल यू। सो दिस इज हाउ वी कैन रीप्रोग्राम आवर माइंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई वी से बिहेवियर सेटिंग कि आपको अपना एटीट्यूड एंड बिहेवियर, हमें रोड रेजेस नहीं करनी है, स्कूल में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है नहीं करनी है, राइट किसी से अगर कोई गलती हो गई है आप पे, मैम ने बोला है डांटा है तो नो प्रॉब्लम मैम, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया कि अननेसेसरी नॉनसेंस में नहीं जाना, हमको निगेटिविटी अपने पास में लानी भी नहीं। सो यू विल प्रोग्राम योर माइंड फॉर अ पॉजिटिव माइंड सेट, राइट। न्यूरल कनेक्शन क्या है कि हमारे जब हम ऐसे थॉट्स को लाते हैं माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो न्यूरल कनेक्शन हमारे को हेल्प करते हैं, नए न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होते हैं और वो डिफरेंट पैटर्न के होते हैं। दो लोग होते हैं, एक बहुत आप जो कि सबके क्लास में बहुत सारे दोस्त होंगे हैं कि नहीं, बहुत सारे दोस्त हैं, आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन निगेटिव है और कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है, आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो, खुद कर सकते हो कि ये लिस्ट है 5 दोस्तों की, इनमें से ये 2 तो जो है ना ये बहुत नेगेटिव करेक्टर के, नेगेटिव माइंडसेट के। सो ये हमारे अंदर फ्लो करता है, नेगेटिविटी हमारे अंदर फ्लो करती है, रिफ्लेक्शन में आ जाता है। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो सक्सेस का विजुअलाइजेशन है, इंटेंशन सेटिंग है, बिहेवियर है, नॉर्मली क्या होता है ये बहुत अलग पैटर्न पे, बहुत अलग डिफरेंट, कभी किसी लेवल पे पहुंचते हो तो वहां पर ये डिस्कशंस होते हैं। इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में ये डिस्कशंस नहीं होते, मतलब ये होते ही नहीं। यहाँ से अगर मैं बात करूंगा, यहाँ से फ्रॉम हेयर टू लखनऊ, और लखनऊ से अगर मैं बैंगलोर तक बात करूंगा, और इधर मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली तक, दिल्ली से आगे चले जाओगे तो यू विल नॉट फाइंड, हार्डली समवेयर यू फाइंड कि समबडी इज टॉकिंग एट दिस लेवल कि ये अगर इस बच्ची को ये डिसाइड कर ले आज तक भी कि मुझे अपने क्लास में बेस्ट पोजीशन लेकर आनी है, शी विल गेट। इसकी पावर ऑफ माइंड में वो इतनी पावर है कि शी विल गेट, बट उसको ये बताने वाला कौन, हु विल टेल, व्हाट इज दैट यू हैव अंडरस्टूड आउट ऑफ दिस, व्हाट इज दैट यू हैव अंडरस्टूड, क्या समझ में आया तुमको, व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू डू नाउ। यस अपने ब्रेन में प्रोग्राम करना चाहिए, हमें करना क्या है, राइट। यस बेटा, हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ओके। यस आप बोलो, नेगेटिव नहीं सोचना है, ओके। यस संस्कृति, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स वी डिड इन आवर लाइफ एंड वी हैव टू स्टे पॉजिटिव सो वी कैन, वी हैव डेवलप आवर माइंड दैट मच वी आर एबल टू गो थ्रू एनी चैलेंज। वेरी गुड, हमें अपने माइंड को अपनी मिस्टेक्स से सीखना है और आगे डेवलप करना है कि कैसे हम सिंक्रोनाइज करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी। यस अक्षिता, गुड गुड, व्हाट इज दैट यू हैव लर्न्ड। वरुण, करेक्ट। यस आप बताओ कार्तिके, सर हमें अपने आप को विजुलाइज करना चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमें आगे क्या करना है, अपना टारगेट करना चाहिए और अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना। बहुत बढ़िया कार्तिके, मतलब परफेक्ट आंसर। यस सिया, सर,
should see our target because in the future target we are best. Yes, हमको अपने टारगेट को सी करना, विजुलाइज करना है, राइट? विजुलाइज करना है. यस, व्हाट इज योर फीडबैक बेटा? या हाँ, पहले हमें अगर मुझे ओलंपियाड तक जाना है तो उससे पहले, इफ दिस इज माय फर्स्ट ओलंपियाड, तो मुझे पहले टारगेट सेट करना है कि मुझे एग्जाम्स के बाद है तो मुझे एग्जाम्स पहले अच्छे से पास करने हैं. करेक्ट. एंड ओलंपियाड तो एग्जाम से भी बड़े लेवल का है. वेरी गुड. तो एग्जाम्स पास हो जाएंगे तो उन सब की हेल्प से वी कैन स्टडी फॉर आवर ओलंपियाड. Achieve. Right. Very good. Yes, Kapish. Sir, we have to think positive and we have to set a goal because our mind has to achieve it. Mind has power to achieve it. देखो, मैं आपसे ना क्या feedback क्यों ले रहा हूँ? Because it is going to be recorded and will be there forever, right? And you will understand क्या होता है कि एक हम लोग example करके देखते हैं. इस बारी हमारे जो exams होने जा रहे हैं, अगर हमने अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग सही से कर ली, माइंड इट सही से कर ली चारू, तो हम इस बार के जो 3 महीने बाद जो भी एग्जाम होने हैं उसमें कुछ रिजल्ट्स बेटर कर लेंगे. हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा सुबह उठने का तरीका, हमारा घर पे जाकर रिवीजन का तरीका, पढ़ने का तरीका, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड. अगर हमने सही से रिवीजन कर लिया, सही से रीप्रोग्रामिंग कर ली माइंड की, तो आने वाले 3 महीने में आप एग्जाम्पल देख सकते हो. जस्ट इन 3 Thank you.